कैमलवाल जी पहले से ही बोल रहे थे कि मेरे को यार कंजक पोल वाले का फोन आया, वो बधाई। मैं मोबाइल हटा लो यार थोड़ा। अंकुर तो क्या कर रहे हैं इसको बोला। मैं मानता हूँ 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक कांग्रेस को फुसोने का समय है और 11 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी का दिन शुरू होगा। जनता जनार्दन पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना रही है। पिछला इतिहास भी आप देख लें, जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तब तब भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। जब तक मां बहन बेटी का प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। इतिहास साक्षी है, उसी आधार पर हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। सर कितनी सीटें आने की उम्मीद आपको नजर आ रही है, क्योंकि सर्वे में तमाम तरह के आंकड़े पेश किए गए। देखो साहब, वो एग्जैक्टली बोला हुआ आपने सुना, अब तो हम बोल रहे हैं। उन्होंने सैंपल लिया होगा, हमने पूरा समय दिया है जनता को, पूरा श्रम किया है 5 साल जनता के बीच में, पिछले 5 साल से लेकर 15 साल तक सेवा किया और सेवा के आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 11 तारीख को बहुमत आने वाला है। सर बिंद और बुंदेलखंड में जो सीटों की बीजेपी को नुकसान होने की बात है, अंचल विभाग इसको लेकर क्या लग रहा है, क्या फैक्टर्स रहे, कहीं इतना काम किया गया है, शायद एट्रोसिटी है या दूसरे फैक्टर जो हावी रहे। कोई भी फैक्टर हावी रहे हो, शिवराज फैक्टर उन सबके ऊपर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि 2-4 सीट कम ज्यादा तो कहीं भी किसी संभाग में हो सकती है, पर ऐसा कोई नुकसान बड़ा कहीं भी न तो एग्जैक्ट पोल ने दिखाया है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो और न हम मानते हैं जिसमें सरकार हमारी बहुमत में ना आए। सर कांग्रेस एक बात से काफी खुश है कि किसान अपनी उपज मंडियों तक लेके नहीं जा रहे हैं और बोलने के संकेत कांग्रेस की अच्छा है। इसे कांग्रेस से खुश होने के कई कारण हो सकते हैं और इसलिए मैंने कहा कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक वो खुश हो सकते हैं, पर आपको 11 की शाम को कोई कांग्रेसी खुश नजर नहीं आएगा। सर अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि हमारा 200 पार का नारा महज संकल्प था, अब सीटों की गिनती नहीं हो पा रही है, कितनी मिलेंगी सीटें। ठीक है, अगर अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा है तो हम सब अध्यक्ष जी के साथ हैं।